देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग आए हैं तिहत्तर कुंज का दर्शन करने के। आप लोगों ने इससे पहले तिहत्तर कुंज का दर्शन किया था कभी? नहीं नहीं नहीं। ये देख सकते हैं राधा कुंज। स्वागत करते हैं दोस्तों तिहत्तर कुंज के पावन धरती कुशल डी से आप सभी का। और आज मैं आप लोगों को चौथा दिन में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से यहां पे भक्तों की भीड़ होती है। और तिहत्तर कुंज का चौथा दिन है और चौथा दिन में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी है और संध्या के समय में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को सभी कुंजों का दर्शन करवाऊंगा और किस तरह से भक्तों की भीड़ होती है सारा कुछ दिखाऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आप चाहते हैं तिहत्तर कुंज का सभी वीडियो को देखना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं तिहत्तर कुंज की ओर। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को सभी कुंजों का दर्शन करवा रहा हूँ और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे राधा कुंज जो यहाँ का सबसे प्रमुख कुंज है। ये देख सकते हैं ये राधा कुंज है और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे सर्वप्रथम टीका लगाया जाता है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं राधा कुंज के पास में खड़ा हूं और ये यहां का सबसे प्रमुख कुंज है। और यहां पे अभी जिस तरह से भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही है, काफ़ी भीड़ है सुबह के समय में और संध्या के समय में यहां पे और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो अभी सभी को यहां पे पूजा अर्चना कर ही रहे हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह से सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी कोई यहाँ पर राधा कृष्ण जी का पूजा करने के लिए पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे आज चौथा दिन है, चौथा दिन में यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और सुबह के समय का सीन है और यहाँ पे आप राधा कृष्ण जी का दर्शन कर सकते हैं। और तमाम भक्त लोग पहुँच चुके हैं सुबह सुबह, आप देख सकते हैं सभी कोई पूजा में लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हरि कीर्तन चल रहा है और सभी कोई राधा कृष्ण का जाप कर रहे हैं और ये अखंड हरि कीर्तन है जो कभी नहीं टूटने वाली है। 9 दिनों तक लगातार 2400 घंटे यहाँ पे चलेगी। और कुछ लोग यहाँ पे भी है, आप पीछे में देख रहे हैं जो ढोलक लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है। और शाम के समय में आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन यहाँ का माहौल देखने के लिए मिलेगा। और अभी आप देख सकते कुछ दीदी लोग भी आई हुए जो पूजा अर्चना कर रही है यहाँ पे। और पीछे में तो आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है और कुछ माताएं लोग भी आए हैं। देखिए अब यहाँ पे भी घूम घूम के पूजा अर्चना कर ही रहे हैं। अभी बैक टू बैक मैं आप लोगों को तिहत्तर कुंज का सभी कुंजों को दिखाते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को घर बैठे देखने के लिए मिलेगा और भी फ्रेंड्स देख सकेंगे। तो सभी को अभी देख रहे हैं पूजा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ माताएं लोग यहाँ पे आए हैं पूजा करने के लिए। तो आप लोगों ने इससे पहले तिहत्तर कुंज का दर्शन किया था कभी? नहीं नहीं नहीं। पहली बार कर रहे हैं। हाँ, तो कैसा अनुभव रहा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इस तिहत्तर कुंज ये जो चल रहा है ये कितने दिनों तक चलने वाली है यहाँ पे? 9 दिनों तक के लिए। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कोरेंग से। कोरेंग हॉस्पिटल। तो अभी आप सभी कुंजों का दर्शन कर लिए हैं? नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ। राधे 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 राधे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो महायज्ञ के मेन प्रमुख बाबा हैं वो भी पहुँच चुके हैं और सभी को हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं राधा कृष्ण भगवान का। 108 महाराज जी सुभाष जी भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा कृष्ण भगवान का नमन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाबा जी यहाँ से पूजा करने के बाद महामृत्युंजय कुंज की ओर जा रहे हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है और हवन कुंड के पास में आप देख सकते हैं बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है, सुभाष महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो 108 जाप कर चुके हैं। और पीछे में विमल पांडे भी हैं और तमाम कमेटी के लोग भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं पूजा चल रही है महामृत्युंजय यज्ञ के पास में, तमाम भक्त पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे हवन कुंड के पास में देख सकते हैं महाराज जी बैठे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग भी आए हुए हैं और 73 कुंज का दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। राधे राधे, क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कहाँ घर है? कुर्मी। देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग आए हैं 73 कुंज का दर्शन करने के लिए और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे 73 कुंज का दर्शन करने के बाद। तो आप लोग भी आइए और 73 कुंज का आनंद लीजिए, क्योंकि ये 73 कुंज आप लोगों को बार बार देखने के लिए नहीं मिलेगा और आज आप लोगों को ये कौशल रम्य देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए। अब मैं पहुँच चुका हूँ कलकंटी कुंज में और यहाँ पे आप श्री राधे कृष्ण जी का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हरि कीर्तन चल रहा है और आज 73 कुंज का चौथा दिन है और चौथा दिन में आपको मैं सभी कुंजों का दर्शन करवा रहा हूँ। और ये सुबह के 7 बजे का व्यू आप लोग देख रहे हैं, 7 बजे का। और अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालु लोग आ ही रहे हैं इस कुंज का दर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे सभी श्रद्धालु सभी कुंजों में जा कर माथा टेकते हैं और सभी कुंजों का दर्शन करते हैं। और ये यहाँ का मैं आप लोगों को कुंजों का दर्शन करवा रहा हूँ। और यहाँ से आप सभी कुंजों को दर्शन कर सकते हैं और सभी कुंजों में अभी हरि कीर्तन चल रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ कुंजों में लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ ये कौन सा कुंज है। और आप देख रहे होंगे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सुमुखी कुंज में और यहाँ पर भी देखें पूजा चल रही है यहाँ पर अभी। राधे राधे लिखना ना भूले दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे हैं हरि कीर्तन और यहाँ से आप लोगों को तमाम कुंजों का मैं दर्शन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी 73 कुंज में मौजूद हूँ और यहाँ के सभी कुंजों का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी कोई दर्शन कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले, क्योंकि अभी सभी कुंजों में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया जो 9 दिन तक कंटिन्यू चलने वाली है और आज चौथा दिन है। और चौथा दिन में आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे किस तरह से भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है और शाम के समय में कुछ ज़्यादा ही भीड़ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ के सभी कुंजों का मैंने आप लोगों को दर्शन करवाया और दूसरे प्लेस में चलते हैं, फिर वहाँ से वहाँ पर भी आप लोगों को सभी कुंजों का दर्शन करवाऊँगा। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि सभी अलग अलग प्लेस में कुंज बने हुए हैं, सभी एक जगह पे नहीं बना हुआ है, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलता। तो अभी हम लोग चलेंगे दूसरे कुंज की ओर और आप लोगों को भी वहाँ पे भी दिखाएंगे किस तरह से भक्तों की भीड़ है। तो चलिए ब्लॉग पे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्रिकेट मैदान के बगल में भी अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है और उसी के जस्ट बगल में आप राधा कृष्ण जी का दर्शन भी कर सकते हैं। और ये 24 घंटा यहाँ पर अखंड हरि कीर्तन चल रहा है और आपको मैं सभी कुंजों का एक एक करके दर्शन करवा रहा हूं। आप देख रहे होंगे सभी कुंजों में भक्त आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, सभी जगह पे राधे राधे का हरि नाम जाप चल रहा है। और ये देख सकते हैं कावेरी कुंज है ये, और उसी के बगल में भी आप देख सकते हैं पीछे में 2 कुंज और आप लोगों को दिखाई दे रहा है और उसके जस्ट बगल में भी कुछ कुंज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से सभी कुंजों का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग भी यहाँ पर घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी व्यू आप लोगों को यहाँ से दिखा सकूँ।